यह बनाते हैं एकदम आसान तरीके से पकौड़े, एकदम टेस्टी टेस्टी। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले पोहे का पत्ता लिया है, और यह पोहे का पत्ता आपको आसानी से बाज़ार में मिल जाता है। उसके बाद मैंने इसमें बारीक कटा हुआ प्याज, बारीक कटा हुआ मिर्च डाला है। आप चाहे तो किसी और चीज़ का भी पत्ता ले सकते हैं, पालक का भी पत्ता ले सकते हैं, आपका चॉइस है। और यहाँ पर मैंने बारीक कटा हुआ मिर्च भी डाल दिया है। उसके बाद हम इसमें डालेंगे 3 से 4 चम्मच बेसन। तो यहाँ पे हमने बेसन इसमें डाला है। आप चाहे तो इसमें थोड़ा सा चावल का आटा भी ऐड ऑन कर सकते हैं। चावल का आटा मैंने इसमें थोड़ा सा दिया है। ये देखिए, यहाँ पे हमने बेसन डाला, और यहाँ पे मैंने ये मसाला डाला है जिसमें धनिया, लहसुन, अदरक और मिर्ची का पेस्ट है वो डाला है मैंने। थोड़ा सा हल्दी और थोड़ा सा मैंने यहाँ पे चावल का आटा डाला है, और थोड़ा सा यहाँ पे हमने साधारण सा नमक, इन सबको अच्छे से मिलाना है। यहाँ पे मैंने पानी का यूज़ नहीं किया है, बस हाथों से मसल कर इसको अच्छे से मिला दिया है, और ये एकदम इस तरीके से अच्छे से मिल भी चुका है। तो यहाँ पे हम कढ़ाई में तेल डाल देंगे आप, और तेल को अच्छे से गर्म होने दे देंगे तब तक के लिए। तो तेल हमारा गर्म हो रहा है, अब देखिए यहाँ पे ये पेस्ट जो है, इसमें से हम छोटा छोटा बॉल्स इस तरीके से लेंगे, और इसमें हम तेल डाल देंगे, और हम इसको तेल में फ्राई करेंगे। ये देखिए, और इसको अच्छे से हम फ्राई करेंगे, दोनों तरफ से अच्छे से फ्राई कर लेते हैं। देखिए कितना अच्छा टेस्टी पकौड़ी हमारा बन के रेडी हुआ है फ्रेंड्स। ये देखिए, एकदम टेस्टी टेस्टी पकौड़ी हमारा बना है। इसी तरीके से सारे पकौड़ी बनकर तैयार कर लेंगे, और सच में फ्रेंड्स ये बहुत ही टेस्टी लगती है, आप एक बार ज़रूर ट्राई करना। मेरा तो फेवरेट है, आई श्योर आपका भी फेवरेट बन जाएगा आप अगर एक बार ट्राई करोगे तो। और फ्रेंड्स आपको रेसिपी कैसी लगी एक बार कमेंट में ज़रूर बताना, और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, मुझे आपकी सपोर्ट की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। तो देखते देखते हमारा सेकेंड बैच भी अच्छे से भुन चुका है, फ्राई हो चुका है। तो अब हम इसको भी दोनों तरफ से पका कर इसको भी हम निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा पकौड़ी बनकर रेडी है, एकदम टेस्टी टेस्टी था। तो खाइए, पीजिए और एंजॉय कीजिए।